नितिन सांगवानशियल सोशोलॉजी का ठी थर्ड चैप्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये हम कवर कर रहे हैं नितिन सागवान सर की लेटेस्ट एडिशन ठीक है जितने हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उन सब चैप्टर्स का पीडीएफ आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगा अगर ने अभी तक पेपर ए नहीं देखा इसका तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी पेपर ए वो हमारी कंप्लीट हो गई है ठीक है एंड इस सीरीज़ के बाद इग्नो सीरीज़ भी लेके आऊंगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मटीरियल डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पी सोशोलॉजी के लिए एंड हम कुछ पी uh, भी डिस्कस करेंगे विजन आई एस के जो चेकड आंसर कॉपीज़ एंड टॉपर्स की उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगी मैं एंड देन एक रिविजन सीरीज भी लेके आऊँगी जो प्रिलम्स के बाद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जिसमें क्विक रिविजन होगा सारे चैप्टर्स का तो इन सब चीज़ों के लिए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दीपांकर गुप्ताज पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम ठीक है तो कास्ट सिस्टम हमने पढ़ लिया हमने वेरियस पर्स्पेक्टिव भी देख लिए जी गुरी एम एन श्रीनिवास वगैरह लुई तो आपको याद रखना होगा दीपांकर गुप्ता ने बेसिक बात किसकी की है इन्होंने बात करी है मल्टीपल हायरकिज की इन्होंने कहा कास्ट सिस्टम में सिर्फ आपको एक हायरकी देखने को नहीं मिलेगी कास्ट सिस्टम में आप देखते हो मल्टीपल हायरकिज सिंगल हाइराकी किन ने कही थी वो लुई डुमो ने कही थी वो हमने डिस्कस किया उन्होंने कहा था जो कास्ट सिस्टम था उसका सेंट्रल एसेंस थी एक हायरकी जो बेस्ड है ऑन द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन पे ठीक है और यही उन्होंने कहा था कोर डिफाइनिंग फीचर है कास्ट सिस्टम का लेकिन दीपांकर गुप्ता ने इस बात को नहीं माना उन्होंने कहा कास्ट सिस्टम में मल्टीपल हेराज प्रेजेंट है इसीलिए कास्ट सिस्टम जो है काफी कॉम्प्लेक्स है आप इसको सिर्फ एक ही थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो जो थ्योरी लुडो ने दी थी जैसे आपका प्योरिटी एंड पॉल्यूशन अब मल्टीपल हर क्या हुआ फॉर एक्जाम्पल ब्राह्मण्स हैं ब्राह्मण को रिचुअली एट टॉप रखा जाता है लेकिन इन्होंने कहा ब्राह्मण के अंदर भी आपको डिफरेंट हेराज देखने को मिलेंगी जो हैकी हो सकती है ऑन द बेस ऑफ ऑक्युपेशन Yeah, income, education level. ठीक है उसके बेसिस पे भी डिफरेंट स्टेटस जो है वो अकॉर्ड किए जा सकते हैं या हो सकता है उनको एक ही स्टेटस का भी कंसिडर करा जाए ठीक है तो जो कास्ट सिस्टम है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसमें आ, आगे आपको कॉम्प्लेक्स डिविजन देखने को मिलेंगे तो इस सारे को आप एक ही हायरारिकी से रिलेट करो वो कास्ट सिस्टम को डिफाइन नहीं करता है वो काफी मिसलीडिंग फैक्टर है तो हिस कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेज एंड मल्टीपल हायरिक जो कॉन्ट्रास्ट किसके साथ करते हैं लुई डिमो के कॉन्सेप्ट ऑफ हायरकीस के साथ लुई डिमो ने क्या आपको दिया था एक और

बॉटम अप्रोच रैंक ये कहना गलत होगा ठीक है हरारिकी हमने हम डिस्कस किया होता क्या है जब किसी चीज को आप इनकोलिटी टर्म्स पे देखो तो आप उनको एक हरियाल ऑर्डर में अरेंज करते हो ठीक है किसी को आप रैंक वन किसी को रैंक टू दे देते हो रैंक थ्री एंड सो on ठीक है तो लुई इन्हें क्या कहा था दीपांकर गुप्ता ने इन्होंने कहा ब्राह्मण्स हमेशा टॉप पे नहीं रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट हर आरकिस प्रेजेंट है और ये चीज इससे भी क्लियर हो जाती है कि हमारे पास वेरियस मॉडल ऑफ संस्कृजेशन है लाइक like हर कास्ट ब्राह्मण नहीं बनना चाहती कोई वेशिया मॉडल फॉलो करती है कोई क्षेत्रियस को फॉलो करती है ठीक है और क्षेत्रियस के अंदर भी आपको वेरियस कास्ट देखने को मिलेंगे ब्राह्मण्स के अंदर भी आपको वेरियस कास्ट देखने को मिलेंगे जिनको फॉलो किया जाएगा थ्रू दस मीनिकली हमारे पास सिर्फ चार ये चीजें नहीं प्रेजेंट है हमारे पास एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क प्रेजेंट है इन दम ऑफ मल्टीपल कास्ट हायर उन्होंने कहा ईच ऑफ दीज ऑरिजिन टेल्स या कास्ट लेजेंड जो है कैप्चर इंडिपेंडेंटलीफरेंस बिटवीन कास्ट लीफ इक्वल स्टेटस ठीक है अब इसका क्या मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट थियोरीज हैं आपके पास थ्री थियोरीज हैं उन तीन थियोरीज ने डिफरेंट कास्ट को टॉप पे बताया है किसी ने बोला क्षेत्रा की कोई कास्ट है वो ज्यादा फॉलो करते थे लोग किसी ने बताया ब्राह्मण्स की कोई कास्ट है वो ज्यादा मतलब माना जाता था कि वो टॉप ऑर्डर की है और किसी ने हो सकता है वेशा की कि किसी कास्ट को बताया हो ये चीज़ क्या बताती है अगर हम इसको लॉजिकली देखें दैट मीन्स हर कास्ट का ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस ही था ठीक है क्योंकि डिफरेंट थोरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कास्ट कोड किया गया और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणस को हमेशा टॉप पर रखा गया था और उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स है ऑफ़ दीज डिफ्रेंसेज की जो डिफ्रेंसेज हैं इन बिटवीन दीज कास्ट कि क्या क्या डिफरेंस हो गई जैसे ब्राह्मणस अगर प्रीस्ट हैं वॉरियर्स हैं इनको हमेशा हायरिकली नहीं रखा जाता है टॉप टू मतलब वर्टिकली नहीं अरेंज किया जाता है बट हॉरिजॉन्टली भी आप इनको अरेंज करते हो और अगर आप इनके एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज कर रहे हो लाइक प्रीस्ट अगर यहाँ पे है तो मैं एक मिनट थोड़ा रब कर देती हूँ अगर आप इनको हॉरिजॉन्टली अरेंज करें दैट मीन्स प्रीस्ट अगर यहाँ पे आ गए बिजनेसमैन मैन यहाँ पे आ गए आपके वॉरियर्स यहाँ पे आ गए दैट मीन्स ये चीज़ जो है ये एक टॉप टू डाउन अप्रोच नहीं चलाती है ये इनको ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस दिया जाता है दैट इज वाई वी से कि इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप रखते हो ना कि वर्टिकल फॉर्म में जब आप वर्टिकल फॉर्म में रखते हो तो क्या होता है इस चीज़ को आप डाउन ट्रीट करते हो एंड इस चीज को आप प्योर या टॉप वाला ट्रीट करते हो ठीक है तो ये इन्होंने कहा सेकेंडली भी कहा कास्ट जो है ये पहले एग्जिस्ट करती हैं एज डिस्क्रीट और जो हायर वाला कॉन्सेप्ट है वो लेटर आता है दैट मीन डिस्क्रीट कैटेगरीज हैं कास्ट और एक कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलती हैं एक कॉन्टिन्यूस स्केल पे हर कास्ट एक अलग कैटेगरी है और जो हायरकी वाला कॉन्सेप्ट है फिर वो लेटर ऑन आएगा क्योंकि हर कास्ट के अंदर भी आपको वेरियस सबकास्ट देखने को मिलेंगी ठीक है तब हम बोलते हैं कि मल्टीपल हेर प्रेजेंट होती हैं। देर फॉर इस यूनिक सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस में वन एनकाउंटर्स डिस्क्रीट कैटेगरीज़ इन प्लेस ऑफ ए कंटिन्यूस स्केल गुप्ता प्लीज दैट देर आर मेरी कंपीटिंग विद इन द कास्ट सिस्टम नन ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑफ दिस मल्टीपल हरारिकीज़ वो कंसिडर करती है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक सब्सटेंस और दैट द सब्सटेंस इन इट आर लेस प्योर तो कोई भी कास्ट ये नहीं मानती है कि उनका कोई भी अगर बिलीफ है कोई वैल्यू है किसी कास्ट की ट्रेडिशन है कोई कास्ट का वो किसी भी तरीके से दूसरे किसी कास्ट से कम है दूसरे के ट्रेडिशन को कम मान सकती है लेकिन खुद को वी डिग्रेडिड कभी नहीं मानती है कोई भी कास्ट तो जो नोशन है सुपीरियोरिटी एंड इनफीरियोरिटी दे आर नॉट अटैच सो स्ट्रांगली बाई दीज कास्ट ऑन देम सेल्व एंड ऑन द अदर्स ठीक है इसको इतना स्ट्रांगली अटैच नहीं करा गया है ईच कास्ट मेंटेन्स इट्स ओन ट्रेडिशंस फैक्ट नो कास्ट एक्सेप्ट इट इज अ डिग्रेडेड कास्ट बट ऑन द अदर हैंड ईच क्लेम्स दैट द अदर कास्ट विच आर मोर डिग्रेडेड दैन इट इज लो कास्ट ऑल्सो एक्सप्लेन की वो उनका लोली स्टेटस उनको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई ट्रिक है कोई चला की है दूसरे कास्ट की गुप्ता ने आर्ग्यू किया था कि जो नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन है वो रिलेटिवली रिसेंट ट्रेडिशन है इन द हिस्ट्री द कास्ट सिस्टम ठीक है दे इमोस्ट मेनली टू सेपरेट वो किस लिए अभी ये सारा आया था ये नोशन ताकि वो अनटचेबल्स को सेपरेट कर सके वो अनटचेबल्स और दलित सो so कॉल दलित वो कौन है आर आउटसाइड द एमबिट ऑफ वर्ण सिस्टम ठीक है उनको क्या बोलते हैं उनको अवर्णा भी बोलते हैं तो रॉबर्ट डेज आल्सो कलेक्टेड मेनी सच ऑरिजिन डिटेल्स जिन्होंने क्या किया था सब्सटांस किया था क्लेम्स मेड बाय दीपांकर गुप्ता ये आप देख सकते हो जो इन्होंने लिखा था दीपांकर गुप्ता में कि कोई भी एनी नोशन ऑफ हायर जो है वो आर्बिटरी है एंड वैलिड फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ ओनली सर्टन इंडिविजुअल कास्ट ठीक है जिससे ब्राह्मण होंगे वो बोलेंगे हाँ ठीक है हम हायर टॉप ऑर्डर के हैं तो आप सिर्फ ब्राह्मण्स के व्यू पॉइंट से उसको देख रहे हो लेकिन ऐसा जनरली ये जो है एक आर्बिटरी स्ट्रक्चर है और वो उसको आप, आप आ, मतलब एक जनरल स्ट्रक्चर नहीं मान सकते वो बस किसी एक कास्ट का पर्स्पेक्टिव हो सकता है टू स्टेट दैट प्योर हायर इज द वन जो यूनिवर्सली जिसपे बिलीव किया जाता है ये गलत होगा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है और द वन जो लेजिटिमाइज़ करेगा पोजिशन ऑफ दो पार्टिसिपेट इन द कास्ट सिस्टम कि अगर ब्राह्मण बोले हाँ क्षेत्रिया सबसे नीचे हैं फिर वेशवास उनसे नीचे शूद्रा सबसे नीचे हैं तो ये सारी चीजें मिसलीडिंग होगी इन्होंने ये भी कहा था जैसे कल्टिवेटिंग अमोथ कास्ट है वो सोलनाइज़ करती हैं गोरिया फेस्टिवल जिसमें वो सेक्रीफाइस करती हैं पिग और फिर भी ब्रह्मण्स उनसे वाटर लेते हैं दैट मीन्स वो ब्राह्मण जो हैं वो इनका खाते पीते हैं अमोथ कास्ट का उनसे वाटर जो है वो लेते हैं तो वो इनको हम इनको पल्यूटेड कास्ट फिर कंसिडर नहीं कर सकते हैं तो नोशन ऑफ प्योरिटी सुपरियोरिटी ऑफ प्योर एंड इम्प्योर है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है द बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस थी इज़ दैट बाई एक्नोलॉजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल हायरकीज़ कास्ट जो है नो लॉन्गर अ अली क्लोज सिस्टम एज इट इज ऑफन एन फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ब्राह्मण के अंदर आपको सब कास्ट मिलेंगी वो ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन हो सकती हैं एजुकेशन हो सकती है इनकम हो, हो सकती है तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो चेंज होती रहेंगी ना आप ऑक्यूपेशन अपनी चेंज कर सकते हो इनकम आपकी चेंज हो जाएगी एजुकेशन अपनी चेंज कर सकते हो तो ये सारा बताता है कि कास्ट सिस्टम एक हाईली क्लोज सिस्टम नहीं था इसमें मोबिलिटी जो है वो काफी पॉसिबल है टॉपिक हम हम देखते हैं जो हमें डिस्कस करना है वहाँ यहाँ पे दैट इज़ योर अनटचेबिलिटी इसको िटी डिफरेंट भी हमें इस टॉपिक सब्जेक्ट में देखने हैं ठीक है तो अनटचेबिलिटी क्या होता है बेसिकली इट रेफर्स टू अ प्रैक्टिस जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन दैट मीन सेपरेशन आर इम्पोज ऑन इंडिविजुअल्स और ऑन द ग्रुप्स विद इन द कल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट ठीक है कास्ट के विद इन आप पे काफी सेग्रीगेशन पोज की जाती हैं कि आप फिजिकली सेग्रीगेट हो आप फिजिकली टच नहीं कर सकते दूसरे कास्ट वाले को उसकी किसी चीज को टच नहीं कर सकते सोशली आपको सेग्रीगेट किया जाता है सेपरेट किया जाता है दैट मीन्स आप इकट्ठे बैठ नहीं सकते हो आप इंटरडाइनिंग नहीं कर सकते आप इकट्ठे खाना नहीं खा सकते हो आप वो ब्रिज नहीं यूज कर सकते जो ब्रिज वो हाई uh, कास्ट लोग यूज करते हैं तो ऐसे फिजिकल एंड सोशल सेपरेशन या उनको सेग्रीगेशन बोलते हैं आप पे इम्पोज किए जाते हैं विद इन द कल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड दैट इज योर अनटचेबिलिटी इन इट्स प्रैक्टिकल मीनिंग ये सिंबलाइज करता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो किसी कास्ट को फेस करना पड़ता है वाइल्ड मेनी कास्ट जो है वो फेस करते हैं इश्यू ऑफ अनटचेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन इन द कास्ट जो आर की इसकी जो वर्स्ट या अनटचेबल्स हैं। ठीक है अवरनाम मैंने आपको बोला क्या होता है जो टर्म अनटचेबिलिटी है इट रेफर्स नॉट जस्ट टू द अवॉइडेंस और द प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बट वे मच ब्रॉडर सेट ऑफ सोशल सोशल एंड डिसेबिलिटीज सेन्टेक्ट हो ना आपको उनसे दूर रहना होगा आपको प्रॉक्सिमिटी में उनके नहीं आना होगा आप फिजिकली उनकी कोई चीज ऐसे यूज नहीं कर सकते वो आपकी कोई चीज यूज नहीं कर सकते आपके हाथ से खाना नहीं लेंगे वगैरह लेकिन ये सोशल सेंशन सोशल डिसेबिलिटीज भी आप पे प्रोवाइड आप पे ये करता है इम्पोज करता है ठीक है दैट मीन्स आप इकट्ठे खाना

आप ब्रॉडर लेवल पे अनटचेबिलिटी को एनालाइज कर सकते हो दो कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज अनटचेबल्स और अवरनास बाय ऑल हाई कास्ट ठीक है जैसे अनटचेबल्स uh, पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे आपके ब्राह्मण्स, क्षेत्रियाज वेशवाज एंड शूद्रास, ठीक वेरियस फॉर्म्स इन दिस अनटचेबिलिटी इज इम्पोज अवरना इंक्लूड सोशल डिसेबिलिटीज प्रोहिबिशन फ्रॉम वेयरिंग न्यू क्लोथ जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दी वो गोरी चढ़ने वाले दुल्हे को मारा गया था कि वो कैसे गोरी चढ़ सकता है क्योंकि वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो ये सोशल डिसेबिलिटीज हो गई सोशल आइसोलेशन रिलीजियस सेपरेशन ऑफ एंड सेल्स वर्किंग एट नाइट काफी चीज़ें हैं जो इन पे इम्पोज की जाती हैं नो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह वाइल शूद्र कंसिडर दलित अपर हाई कास्ट एंड की ठीक है तो देखो इसका क्या मतलब होता है जो बाकी के तीन कास्ट हैं हमने पहला एक तो दो कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा हम इसको एनालाइज करेंगे एक तो एक तो हुआ जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है अवरना पे या अनटचेबल पे बाय हाई कास्ट ठीक है एंड दूसरा हुआ जो जो अवरना है वो उनके बीच में भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन है एक अनटचेबल दूसरे अनटचेबल को ख़ुद से ज़्यादा लो समझता है सेकेंडली द कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड स्लाइटली वाइडर इन टर्म्स एज एन इंटीग्रल आस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम वाइल शूद्र कंसिडर दलित्स एज अनटचेबल देम सेल्स आर अनटचेबल टू अदर कास्ट एंड अपर कास्ट इन दर की जो ब्राह्मन क्षेत्रियाज करते हैं ठीक है तो ये रिलेटिवली आप कितने अनटचेबल हो वो वाली बात आ जाती है हिस्टोरिकली वेशियाज एंड फेस सम फेसेबिलिटीज एट द हैंड्स ऑफ रिचुअली सुपीरियर ब्राह्मण तो इसके सिर्फ क्षेत्रियाज विक्टिम नहीं शूद्रास विक्टिम नहीं रहे हैं कभी कभी क्षेत्रियास किसी केस में और वेशवास भी आपको देखने को मिलेगा उन उनपे भी कुछ डिसेबिलिटीज इम्पोज की गई गई थी इन द सेम फैशन सोशल आस्पेक्ट ठीक है तो समझ अब है क्या बेसिकली एक तो हुआ जो अवरनाज एंड अनटचल अवरनाज पे बाकी सारे हाई कास्ट इम्पोज करते हैं ठीक एंड सेकेंडली हुआ आप अनटचेबिलिटी को रिलेटिवली देखते हो जैसे शूद्रास अन कंसिडर करेंगे क्षेत्रियाज जो है उनको भी कंसिडर किया गया है किसी टाइम में उन उनपे भी डिसेबिलिटीज इंपोज की गई हैं और कई मौकों पर क्षेत्रियाज ने बाकियों पे की मतलब उन्होंने बाकी कास्ट पे जो है, वो इंपोज करवाई हैं तो इसका मतलब है आप अंटेजेबिलिटी को एक रिलेटिव मैनर में अंटेजेबिलिटी जो है वो अप, ये करती है ऑपरेट करती है हाउ एवर इन सोशियो पोलिटिकल डिस्कोर्स इट इज द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विच इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस बुक ऑल्सो वी शड स्टिक टू अंटेजेबिलिटी एज अ डिस्क्रमनेट्रीट प्रैक्टिस विच इफेक्ट राइट और द लेकिन लेकिन जब यहां आप बात करते हैं या सोशोपोलिटिकली आप बात करते हो अनटचेबिलिटी की तो हम किसकी बात करते हैं हम दलित्स की ही बात करते हैं हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ क्षेत्रीय यह नहीं बोल देंगे कि हाँ उनको भी कई टाइम पे डिसेबिलिटीज फेस करनी पड़ी है नहीं वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है यहां पे हमारा एरिया ऑफ कंसर्न सिर्फ ये है जो एक्सप्लाइटेशन दलित्स या या अनटचेबल्स फेस करते हैं आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी अब देखो मैंने आपको कहा जो सेग्रीगेशन है वो फिजिकल भी हो सकती है या सोशल भी हो सकती है फिजिकल सेग्रीगेशन में देर इज अ लिमिटेशन ऑन फिजिकल कॉन्टेक्ट सेपरेट बर्तन है प्रोहिबिशन ऑन टेम्पल एंट्री है प्रोहिबिशन ऑफ यूजिंग विलेज वेल पॉन्ड एटसेट्रा सोशल सेग्रीगेशन में रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिंग ईटिंग विद द मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट प्रोहिबिशन ऑन एंट्रिंग होम्स ऑफ हायर कास्ट के ऐसा भी हुआ है इनफैक्ट हमारे हॉस्टल में जहाँ मैंने ये करी है अपनी डिग्री वहाँ पे मेरी एक रूममेट ने मुझे बताया कि वो कई गई, गई थी किसी के घर में एंड जो जिस फ्रेंड के घर में गई थी वो लो कास्ट को बिलोंग करती है जब वो वहां से वापस आई थी तो उसको उसकी दादी ने गंगा जल उस पर छिड़का था कि वो अब क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही अब करप्ट हो चुकी है क्योंकि लो कास्ट अपनी किसी फ्रेंड के घर गई है एंड उनको वहां खाना भी खाया था उसने एंड कोई लोकस फ्रेंड भी है उसकी तो ये जो सिचुएशन है ये एजुकेटेड सोसाइटी की सिचुएशन है तो आप समझ सकते हो कि जो अब इलिटरेट सोसाइटी है या इतने साल पुराने ये आज की बात है तो पुराने पिछले इतने सालों पहले क्या ही हो सकता कितना ज्यादा ये जो है रेस्ट्रिक्शन और रिसेग्रिगेशन जो है ऑब्जर्व करते थे लोग अनटचेबिलिटी हैज डिफरेंट फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन इज मोर अक्यूट इन रूरल एरियाज ठीक है उसकी कुछ विलेजेस स्टडी वगैरह भी हो गई हैं सिंपल चीजें हैं प्रसाद इन ए स्टडी कंडक्टेड इन फिफ्टी अंदर विलेजेस इन्यमरेटेड मोर देन वन फिफ्टी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी जब भी, भी प्रैक्टिस होती है घनश्याम शाह हर्ष मेन्द्र सुखदेव थौरत इन देर अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया

वायलेंस जो है ये एक्सट्रीम ऑफ मैनिफेस्टेशन है अनटेजिबिलिटी की यहाँ पे कोई डेटा है ये आप देख लेना एन का ठीक है कि कितने केसेस ऑफ क्राइम और एट्रोसिटीज आते हैं अगेंस्ट दलित दलित उनके पास रजिस्टर होते हैं और ये वो वाले केस हैं जो रजिस्टर होते हैं आप सोचो कितने केसेस होते हैं जो अनरजिस्टर्ड जाते हैं तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी देखने को मिलती है अब हम कॉमन फॉर्म्स ऑफ अनटेजिबिलिटी देखेंगे दैट एग्जिस्ट इन इंडिया दे कैन बी सम अप एस सेग्रीगेशन इन सिविल लाइफ सिविल लाइफ में अलग रखते हैं दैट मीन्स कॉमन सेलिटी हो गया इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते सोशल मिकसिंग पे कॉमन वेल्थ पे कॉमन पाथ सो ऑन एवन ब्यूरल ग्राउंड जो है वो भी सेपरेट हैं दलित्स के लिए ऑक्यूपेशनल के लिए इनकी जो ऑक्यूपेश भी लिमिटेड है मैनुअल्स कैवेंजर्स इनको मैनुलवेंजिंग करनी पड़ती है एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है इसकी बड़ी कल्परेट है क्योंकि बिगेस्ट जो एम्प्लॉयमेंट होती है मैनुअल्स कैवेंजर्स की वो रेलवे डिपार्टमेंट में होती है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ठीक है एक डेटा के अकॉर्डिंग नाइन्टी एट परसेंट मैनल्स केवेंजर्स जो थे वो लोअर कास्ट से थे एंड आउट ऑफ दो 95 फाइव परसेंट वर वुमेन तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी लोअर कास्ट को फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ये काम जो है ये और कोई कास्ट नहीं करना चाहेगी अनलेस की बहुत ही बुरी हालत हो उनकी फाइनेंशियली हैबिटेशन सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन दलित हाउस होल्ड ये भी एक नॉम रहा है रूरल इंडिया में कच्चा हाउस पक्का हाउसेज भी इसमें आता है कि कच्चा हाउसेज हाई कास्ट पक्का हाउसेज है वो हाई कास्ट के होते थे कच्चा हाउस लो कास्ट के होते थे रिचुअल सेग्रीगेशन स्क्रिप्चर्स एन होली टेक्स जो है डिस अलाउड फॉर द अनटचेबल्स उनको वो सुनने भी नहीं दिया जाता था सर्टन राइट लाइक उपनयानी सरमनी उपन्याना सरमनी आर प्रिजर्व फॉर दिवीज ऑटवाइज बॉर्न कास्ट उपनयान सरमनी क्या होता है वो जो व्हाइट थ्रेड जो ब्राह्मण्स के यहाँ पे आ, शोल्डर पे वो लटकाते हैं जो हाई कास्ट वाइट थ्रेड वाला उस सरमनी को ओपनयान सरमनी कहते हैं उसके बाद क्या हो जाता है इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन होती है बच्चे में इनिशिएट करने के लिए इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन वो सरमनी परफॉर्म करते हैं जिसमें वो वाइट थ्रेड जो उनको है वो दिया जाता है तो जो वो कास्ट करेंगे वो अपर कास्ट सिर्फ कर सकते हैं उनको हम द्विज बोलते हैं या ट्वाइस बॉर्न कास्ट बोलते हैं एंड जिन कास्ट को नहीं करने दिया जाता है जो आपकी लोअर बॉर्न कास्ट है उनको एकज बोला जाता है ठीक है तो ऐसे रिचुअल सेग्रीगेशन भी होती है डिफरेंट गॉड्स डिफरेंट टेम्पल्स वो यूज़ करते हैं 2014 में बिहार के चीफ मिनिस्टर जीतन राम मंझी वो एक टेम्पल में गए थे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी है बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ठीक है जब वो वहाँ पर गए थे उसके बाद टेम्पल को कुछ टाइम तक बंद रखा गया था प्योरीफाई किया गया था उनके वहाँ जाने के बाद क्योंकि वो सो और लो कास्ट कम्यूनिटी को बिलोंग करते हैं मैरिटल रिस्ट्रिक्शंस आप शादी नहीं कर सकते ये तो हमें पता ही है ठीक है कल्चरल सेग्रीगेशन देर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड फेयर्स वो उसमें भी आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलेगी दीपांकर गुप्ता ने कहा था सेपरेट कल्चरल ट्रेडिशन हैव बिन डेवलप्ड डाय मेबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स ठीक है डिफरेंट कास्ट ग्रुप के आप डिफरेंट ट्रेडिशन देखोगे अंडर देव सिस्टम विच ऑफन बॉर्डर्ड ऑन द प्रोस्टिट्यूशन वेमन यूज टू बी प्रोमिनेटली फ्रॉम द दलित कम्युनिटी अब जो देवदासी सिस्टम है अभी भी कहीं ना कहीं कर्नाटका ए पी वगैरह में प्रैक्टिस होता है इसमें लड़कियां जो हैं दलित मोस्टली कम्युनिटी की उनको एज ऑफरिंग ऑफ़र किया जाता था टू द गॉड टू द टेंपल जिस देव का वो टेंपल होता था और उनको वहीं रहना होता था और वहीं सर्व करना होता था तो वहाँ पे ऑफर उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम करने पड़ते थे या पंडित पुरोहित उनको एक्सप्लॉयड भी करते थे काफ़ी केसेस में फाइन और उनको अपना कोई राइट नहीं था उनको ह्यूमन नहीं कंसिडर किया जाता है कि वो अपने किसी राइट के लिए आवाज़ उठा सके तो ऐसा देखा गया जो देवदासीज हैं वो मोस्टली दलित कम्यूनिटी से हैं तो ये भी जो है इसमें कास्ट स्ट्रक्चर के साथ ये सोशल स्ट्रक्चर जो है इंटरटवाइंड है पॉलिटिकल सेग्रीगेशन दलित इलेक्शन आ गई बहुजन समाज पार्टी जिसने उनकी कंडीशन थोड़ी इंप्रूव की इवन आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किस जो क्या लेके आया था आपका पंचायत राज ठीक है दलित्स को फिर भी काफी फेस करना पड़ा न्यूमरस होडल्स वाइल कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड ऑल तो वहां पर भी पॉलिटिकली भी वो अभी भी सेग्रीगेटेड uh, ही रहे थे इकोनॉमिक एक्सप्लाटेशन आपको अगर आप अभी भी खुद ये चीज़ देखो कि जो लो कास्ट के हैं या सो कॉल्ड दलित हैं वो आपको सबसे सब ज्यादा पोअर देखने को मिलेंगे वो सिर्फ उनको लो पेइंग कैजुअल लेबर वाली जॉब या उनको बॉन्डेड लेबर या बेगार ऑल दो ये प्रोहिबिटेड है लेकिन इन वन फॉर्म और अदर उनको ऐसे ही लो मीनियल काम जो है वो करने को मिलेंगे फाइन और वो कोई ऐसे काम नहीं कर सकते जिनके उनका इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए और तो तो नहीं ले सकते हमें एग्जाम्पल्स हैं काफी आ, जो इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं लेकिन वो काफी सक्सेसफुल हैं लाइफ में लेकिन ऐसा ही होता है यूजुअली वो कोई कोई एग्जाम्पल है हमारे पास लेकिन अगर यूनिवर्सली देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन वो फेस करते हैं लास्ट वन इज वायलेंस वायलेंस भी यूज किया जाता है उनको सप्रेस करने के लिए और पर्पचुएट करने के लिए अनटचेबिलिटी को एज़ पर टू थाउजेंड नाइनटीन सेटिक्स ऑफ एन सर भी टोटल ऑफ फिफ्टी थाउजेंड टू नाइनटी वन केसेज ऑफ क्राइम जो है वो अगेंस्ट दलित रजिस्टर हुए थे और जैसे मैंने पहले भी कहा वो 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 रजिस्टर हुए थे तो जो अनरजिस्टर्ड केसेज भी कितने होंगे अपार फ्राम द अबो मैनीफेस्ट फॉर्म्स ऑफ अन टचबिलिटीज़ देर वेरियस अदर फॉर्म्स इन विच अनटचेबिलिटीज़ प्रैक्टिस इन इंडिया ठीक है देर हैव बिन इंस्टेंस जहाँ पे पोस्टमैन डोंट डिलीवर लेटर्स टू दलित होम्स इन रूरल एरियाज़ टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं कॉल द कास्ट इन

गवर्नमेंट स्कूल उनको प्रोवाइड करती है लंच वगैरह दिन में बच्चों को जो वहाँ पे अपने बच्चे एडमिट करेंगे फाइन स्कूल्स में उनको प्रोवाइड किया जाता है तो लेकिन वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी मिड डे मील में एक तो ये प्रॉब्लम्स थी कि उनको अलग अलग बैठ के खाना खिलाते थे जो आपके हाई कास्ट और लो कास्ट के हैं एंड सेकेंडली जो खाने में उनको देते थे वो चीज़ भी डिफर करती थी एंड जो हाई बेंचेस पे बैठने को देते दे थे एंड जो लो कास्ट है वो जमीन पे उनको बैठना होता था तो ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी डिफरेंट स्टडीज से सामने आई इवन एट पीडीएस शॉप्स जो आपकी हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपकी राशन शॉप्स हैं वहां पर देखा गया है कि जो डेज ऑफ राशन है फॉर दलित्स विक्स सेपरेटली कि दलित्स को डिफरेंट डेज पे आना होता था अपना राशन कलेक्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू जो आपकी अदर कास्ट से तो काफी प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड ये फेस करते हैं तो अगर आप ये सारी चीजें अपने आंसर में वन फॉर्म और द अदर लिखोगे ये काफी आपके लिए आपके आंसर को एनरिच

बाद में उन्होंने रिलीजन अपना कन्वर्ट किया था तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे इसको ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए कि इसकी जो रियल पिक्चर है वो सामने ना आए तो उन्होंने बुक लिखी थी एनहिलेशन ऑफ कास्ट तो उनका मतलब था इस सिस्टम को आप कैसे खत्म कर सकते हो लेकिन जो महात्मा गांधी है का सिस्टम एज एन वो चतुर्वर्ण सिस्टम को बुरा नहीं मानते थे वो कहते हैं रिलिजन सेंक्शन है लेकिन जो एक्सप्लेशन दलित फेस करते हैं उस चीज़ पे वो हमने अपनी आवाज़ रेज की थी तो हमें वेरियस परस्पेक्टिव में बी आर अम्बेडकर का भी अलग पढ़ना है महात्मा गांधी का भी अलग पढ़ना है इवन टूडे द टर्म इज प्रिफर्ड वर द टर्म्स लाइक हरिजन एंड हरिजन चाहे महात्मा गांधी ने वर्ड यूज किया हो लेकिन आज भी जो दलित टर्म है वो ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू द टर्म हरिजन एंड सोशो पोलिटिकल कॉन्टेक्स में भी हम दलित टर्म को ही यूज़ करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव और बाकी लेजिसलेशन भी आए थे इनको इनैक्ट किया गया है क्रिमिनलाइज़ करता है प्रैक्टिस ऑफ अन इन एवरी फॉर्म हाउ आर जो ग्रेटेस्ट हर्डल एंड एलिमिनेटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ अन वो एटीट्यूड ऑफ पीपल एट लार्ज है अगर हम लोग चेंज नहीं लाएंगे अनटचेबिलिटी में तो चाहे कितने भी लॉज एंड लेजुस्लेश आप इसको लेके आओ वो लेजिस्लेश वगैरह कोई भी काम नहीं करेगा तो चेंज कहाँ पे आनी चाहिए आपके सिविल लाइफ में आपके सिविल सोसाइटी में चेंज आनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आनी चाहिए तो ही जो चेंजेस है वो आप देख फाइनली मैनिफेस्ट कर पाओगे एक बड़े फ्रेमवर्क में कास्ट जो है ये अभी भी मेंटल सिस्टम्स में आपको देखने को मिलेगी इन स्पेशली सो इन द रूरल सेटअप जहाँ पे कस्टम्स जो है स्टिल आउट वे रैशनैलिटी लॉजिक और रैशनैलिटी से ज्यादा अभी भी कस्टम्स पे लोग बिलीव करते हैं एंड जहाँ पे बात कस्टम की होगी वहां पे कास्ट सिस्टम जो है वो इनबिल्ट ही है उस स्ट्रक्चर में तो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव परस्पेक्टिव देख लेते हैं ऑन अनटचेबिलिटी टू मेजर बट इंटर रिलेटेड इशूज ठीक है पहला है रिलेटेड टू द ऑरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी की ऑरिजिन कैसे हुआ एंड सेकेंड डील प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी और उसके सल्यूशन क्या होंगे अनटचेबिलिटी ऑरिजिन थियोरी जो है वो मोस्टली हमें इंडोलॉजिकल अकाउंट से मिलती है इंडोलॉजिकल मतलब जो आपका बुक व्यू होता है ठीक है जो आपके टेक्स्ट से मिलती है हमें स्क्रिप्चर्स से मिलती है हिस्टोरिकल अकाउंट एंड रिलीजियस टेक्स्ट हैव सजेस्टेड वेरियस नेम्स फॉर अनटचेबल्स लाइक रिलिजियस एंड है तो आपको काफ़ी नाम मिलेंगे अनटचेबल्स के लिए रिलीजस टेक्स्ट में निषाद चंदाजन खीराज ठीक है तो निषाद कौन होते हैं ये आपके वो होते हैं जो हाइपर मैरिज से बच्चे पैदा होते हैं हाइपर गैमस इज योर अनुनोमा जहाँ पे लड़का हाई कास्ट का हो बॉय हाई कास्ट का होता है ठीक है एंड जो गर्ल है आपकी वो लो कास्ट की होती है तो उनके जो ऑफ है उनको निषाद बोलते हैं फाइन एंड आपके जो चंडाल्स होते हैं वो कौन से हो गए वो आपके हाइपोग मैरिजेस के होते हैं हाइपोग को हम और क्या बोलते हैं प्रतिलोमा इसमें जो फीमेल है वो आपकी हाई कास्ट की होती है एंड जो मेल है वो आपका लो कास्ट का होता है ठीक है और इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स है उनको हम चंडाल्स बोलते हैं किरत जो है ये साइनो साइनोटिबिटिन कम्युनिटी वाले लोग कंसिडर किए जाते हैं ठीक है संस्कृत में इनको हंटर ट्राइब जो है वो बोला गया था तो रिलीजियली ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं फॉर द पीपल आउटसाइड द दर्नर सिस्टम इट इज जनरली दैट ओरिजिनली जो इजेड है वो अनटचेबल्स नहीं थे बट द अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुआ ग्रेजुअली कहा पोस्ट वैदिक पीरियड में एज मैं टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति मैंने कहा अर्लियर वैदिक वैदिक टेक्स में ये सिर्फ एक डिविजन ऑफ लेबर का इंड मैं आपका जो वर्नर सिस्टम है फाइन और जो ये आपके अनटचेबल्स एंड दलित एंड शूद्रास भी हैं वो आपके पोस्ट वैदिक में उसमें ऐड हुए थे पोस्ट वैदिक पीरियड में ये वो पीरियड है जब आपका कास्ट सिस्टम काफी रिजिड एंड हेरिडिटरी बन गया था अनटचेबिलिटी जो है ग्लोरिफाइड ब्राह्मणिज्म ऑन वन हैंड एंड हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग एंड रिजिडिफाइंग ऑक्यूपेशन ऑन द अदर हैंड गुरिये विवेकानंद झा एंड अंबेडकर उन्होंने यूज किया है इस अप्रोच को ट्रेस करने के लिए ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड कास्ट रिलेटेड डिसेबिलिटीज गुरी ने क्या कहा था प्रैक्टिस ऑफ अनटेबिलिटी कब से आई आपकी पोस्ट विदिक पीरियड से विवेकानंद जाने ही गेव अ मोर डिटेल्ड अकाउंट और उन्होंने ऑरिजिन ट्रेस किया था फोर फेजेस में जो हम यहाँ पे देखेंगे अंबेडकर ने ब्रोकन मैन थ्योरी दी थी आपके ट्राइब्स वगैरह से रिलेटेड था ये वो हम आगे देखेंगे वो कॉन्सेप्ट हमें सेपरेटली पढ़ना है श्रीनिवास ने यूज किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये हमने देख लिया था डुमो ने क्या आइडियोलॉजी ऑफ प्योर एंड एमप्योर ये भी हमने देख लिया था ही व्यूड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज यूनिक टू इंडिया

आउटसाइडर्स इन बर्मन ने उन्होंने रिजेक्ट किया था डुमो ने जो यूनिटी परसपेक्टिव दिया था इसका सिस्टम का इन्होंने कंसिडर ये करते थे आउटसाइड है हिंदू कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू हम जो अनबल्स एंड ऑपरेस्ट एंड एक्सक्लूडेड एन एस आर एस

ठीक है और महात्मा गांधी ने हरिजन वाली बात करी थी ये भी कॉमन चीज है पर अगर आप इसमें डी पी मुखर्जी वाला एंगल लिखोगे जी डी बर्मन वाला डुमो वाला तो इससे क्या हो जाएगा आपका आंसर काफी एनरिच होगा डिस्पाइट की आप एक ही चीज को फिर बड़े पैराग्राफ्स एक ही थिंकर को आप एक पैराग्राफ में अगर तीन चार थिंकर्स लिखते हो ठीक है ये किसने कहा था जी डी बर्मन ने हम थोड़ा विवेकानंद जाकर देखते हैं ऑन द ऑरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी तो इन्होंने चार फेजेज में कहा था अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है उन्होंने कहा था राइज ऑफ एंड बुद्धिज्म जो है एज कंटेम्प्रेरी इवेंट विच इंटेंसिफाइड नोशन ऑफ अनेबिलिटी क्योंकि काफी ज्यादा जब राम की एक्सपेटेशन बढ़ गई थी हमें डिफरेंट रिलीजन देखने को मिले थे जो इमर्ज हुए थे इन द फॉर्म ऑफ येनिज्म चार फेजेस कौन से कहे थे फर्स्ट फेज में अराउंड सिक्स सेंचुरी लेट वेदिक टेक्स जो है कैरीड वर्ड लाइक चंदाल्स एंड टैनर्स टैनर्स कौन से हुए आपके जिस स्किन टैनिंग करते हैं एनिमल्स की बाद में स्किन को फिर लेदर वगैरह में कन्वर्ट करते हैं हुफर टू एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एबहोर बट नॉट पर से अबोरंस मतलब जिनको पसंद नहीं किया जाता था पहले फेज में ये हुआ था उसमें कौन थे आपके चंडाल्स एंड टैनर्स सेकेंड फेज वेर इन धर्मास्त्र धर्मशास्त्र मेन्श ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बट इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनटचचेबिलिटी वॉज नॉट इंस्टीट्यूशलाइज तो धर्मशास्त्र में क्या है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन दैट मीन जो आपकी ये वाले काम करते हैं चंडल्स और चंडाल वगैरह है वहां से इन्फेक्शन infect, ट्रांसमिट होने के चांसेज है ये मेडिकल इन्फेक्शन नहीं है दैट मीन सोशली आप किसी चीज को लो बोलना है, मतलब पल्यूटेड फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हो ये वो है हाव देर वॉज मैंशन ऑफ वर्ड्स लाइक निर्वसिता इन पनज ग्रामर टू डिस्क्राइब ए पर्सन हूज टच कैन ंग फॉर द पॉट्स ठीक है ये कब हुआ था सेकंड फेज में क्या यूज किया गया था निर्वसिता पानिनी के ग्रामर पानिनी जिनने ग्रामर लिखा था तमिल ग्रामर डिस्क्राइब करने के लिए एक पर्सन को कि अगर वो बर्तन को टच करेंगे वो बर्तन खराब हो जाएगा ठीक है थर्ड फेज में अनटचेबिलिटी इमर्ज क्लियरली इन मैनिफेस्ट फॉर्म दैट वी सी टूडे इन विष्णु स्मृति द वर्ड अपॉर अनबल्स ये थर्ड फेज में हुआ था फाइनली चौथे फेज में प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन वॉज कम्प्लीटेड एंड शार्प डिमार्केशन बिटवीन कास्ट बिकेम अल्म जैसे वो आज हो गया एंड अनबिलिटी बिकेम अ वाइड स्प्रेड फिनोमिना एग्जाम में आप इसको काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट सकते हो फिर सेकंड फेज ठीक है थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज फर्स्ट फेज में क्या उनको बोला गया था फर्स्ट फेज में नॉन एक्जिस्टेंस था ठीक है फिर सेकेंड फेज में क्या उनको बोला गया था निर्वर्सी तरह से टर्म यूज किए गए थे फिर थर्ड फेज में क्या हुआ था फाइन वो आप यहाँ पे लिख सकते हो तो उसमें उनको वर्ड अपूरसुआ यूज किया था एंड फोर्थ फेज में जो कंप्लीट आज सेग्रीगेशन अनटचेबिलिटी जो है वाइड स्प्रेड फिनोमिना बन गया तो डिस्पाइट कि अब आप बड़ा लेंथ length, आंसर लिखो पूरा पेज भरो आप इस टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि विवेकानंद जहां ने अनटचेबिलिटी को लेकर क्या कहा था और इसके साथ आप बाकी थिंकर्स जो है उनका व्यू पॉइंट भी फिर एडजस्ट आराम से कर पाओगे अब सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ ऑफ परस्पेक्टिव अनटचेबिलिटी उसमें क्या हमने कहा था अनटचेबिलिटी को एज अ प्रॉब्लम एंड इट सोल्यूशन तो स्केल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी जो है इज लॉन्ग रिकग्ग्नाइज एंड इट गेव बर्थ टू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म जैनिज्म एंड लेट ऑन टू मेनी लेटर लेड ऑन टू मेनी अर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स तो सोल्यूशन जो है अनटचचेबिलिटी का उसको हम दो कटेगरीज में डिवाइड करते हैं या तो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स चली थी अगेंस्ट अनटचचेबिलिटी कि इसको रिफॉर्म करो कास्ट सिस्टम को इसके अंडर अनटचेबिलिटी को खत्म करो या तो ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स चली थी कि ठीक है अनटचेबिलिटी है और ये वहीं रहने वाली है आप क्या करो अपना कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ देख लो तो रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या करता था एम रिफॉर्म करो कास्ट सिस्टम को ताकि एंड कर सको आप प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी को ये इसका सोल्यूशन था और टिव मूवेंट्स एम टू क्रिएट एन क्रिएटरनेटिव कल्चर एनवाइरमेंट ऑफनली वो कैसे होता था कि कन्वर्ट करो आप टू अनादर रिलीजन रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स फॉर एग्जाम्पल भक्ति मूवमेंट न्यू वेदांतिक मूवमेंट लाइक आर्य समाज रामकृष्णन संस्कृटाइजेशन मूवमेंट ठीक है और आपके मूवमेंट्स क्या चले थे जिसे कन्वर्ट करो जैसे बी आर अम्बेडकर के साथ काफी लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में अपार्ट फ्रॉम दिस टू ब्रॉड क्लासिफिकेटरी फ्रेमवर्क कुछ स्पेसिफिक व्यूज भी हमें मिले हैं अनटचेबिलिटी पे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो है परसपेक्टिव ऑफ गांधी एंड अंबेडकर जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्लम मैं कल लेकर आऊंगी गांधी इज ऑन अनटचेबिलिटी एंड बर अम्बेडकर सो टिल द टाइम में अपलो न्यू वीडियो ब टेक कीयर हैव अ ग्रेट डे